हैप्पी फैशन मॉल नेर चौक मंडी भारी डिस्काउंट पर शुरू हो रही है सेल। 1 अगस्त से 15 सितंबर तक कुर्ती एक के साथ एक फ्री, कोट पैंट शेरवानी पर 30% डिस्काउंट, सूट साड़ी गाउन ड्रेसेस अनस्टिच सूटिंग और शर्टिंग पर 50% डिस्काउंट, जे हैमस्टर ट्राउजर के साथ शर्ट फ्री, नुमैरो रेमंड कलर प्लस यूएस पोलो पार्क एवेन्यू डब्ल्यू और ऑरिया पर 30% डिस्काउंट। तो जल्दी आइए हैप्पी फैशन मॉल नेर चौक मंडी। मंडी और कुल्लू में बुधवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंडी में सीटू के जिला सचिवालय सदस्य सुरेश सरवाल ने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि बस किराया वृद्धि को वापस लिया जाए, बिजली के बिलों में की गई वृद्धि को कम किया जाए और मनरेगा के तहत 100 दिनों के बजाय 200 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मेरा नाम सुरेश सरवाल है, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिवालय सदस्य हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी देश के 16 मसलों और हिमाचल के 4 मसलों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसमें मुख्यतः यह है कि जो देश के अंदर ये पैंडेमिक का दौर है, बीमारी का दौर है, इस दौर में हर एक खाता धारक को जो आय कर्ज की सीमा से बाहर रहते हैं उनको जब 7300 रुपये उनके खाते में हो, मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार और 300 रुपये दिहाड़ी हो, जो बेरोजगार है, जो इस देश के अंदर 15 करोड़ लोग रोजगार हो गए हैं, उन्हें रोजगार का बंदोबस्त किया जाए या उन्हें बेरोजगारी भत्ते का बंदोबस्त किया जाए। इसके साथ साथ जो इस देश के अंदर नई शिक्षा नीति को इस देश की सरकार ने भी लागू किया है, इस शिक्षा नीति के चलते ये सरकारी क्षेत्र को खत्म कर शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर के अंदर लेके जाना चाहते हैं, इसका भी आज विरोध हो रहा है। इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बिल जो 2020 आया है वो भी यही बात को कर रहा है कि आज देश के अंदर इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने के लिए और जो कॉरपोरेट है, विदेशी कॉरपोरेट को जो इस देश के अंदर एंट्री देने के लिए जो जंगल और जमीन है वो कोड़ियों के भाव इस देश के अंदर जो कॉरपोरेट्स को देश की सरकार देने वाली है। इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रदेश की सरकार ने बस किराया बढ़ाया है, हमारी पार्टी मानती है कि बड़े कॉरपोरेट और बड़े जो ट्रांसपोर्टर है उसको फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे बिजली की दरों में भी वृद्धि की है और इसमें जो उसमें जो बिजली की दरों के अंदर जिस तरीके से पैमाना बनाया गया है, एक साधारण परिवार से आने वाले आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा असर जो उसका पड़ने वाला है। और हम ये जानते हैं आज बिजली महकमा पूरा प्राइवेट सेक्टर के अंदर है और इसको और ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को इसलिए बिजली की दरों के अंदर। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बागवान है उनकी जो अनेकों समस्या है, इसके साथ साथ जो छात्रों को आज प्रदेश के कॉलेजों के अंदर या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो उनको एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है, हमारी पार्टी मानती है कि इससे बीमारी और बढ़ेगी और इस बीमारी के बढ़ने के बाद जो देश के अंदर जो है और ज्यादा जो है केसेस आएंगे। इसके साथ साथ जो देश के अंदर श्रम कानून है, जो मजदूरों के कानून जो अंग्रेजों के समय के अंदर लड़ाई लड़के जीते थे, उनको जो है देश की सरकार खत्म करना चाहती है। बहुत सारे प्रदेश सरकारों ने बोल दिया कि अगले 3 साल तक कोई भी जो है श्रम कानून नहीं होगा और बड़े कॉरपोरेट्स को खुली छूट दी जाएगी कि वो जो है जितनी लूट करना चाहता है मजदूर की कर सकता है। इन्हीं मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर मंडी के अंदर भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चेता रहे हैं कि अगर आपने आने वाले समय के अंदर जो मजदूरों के पक्ष के अंदर नीति नहीं बनाई तो आने वाले समय के अंदर और ज्यादा तेजी के साथ आम जनता के पक्ष में नीति नहीं बनाई तो और तेजी के साथ आंदोलन तेज होगा। इन्हीं बातों को लेकर आज का हमारा धरना प्रदर्शन। उधर कुल्लू में माकपा के राज्य सचिवालय सदस्य प्रेम गौतम ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा की सरकारें लगातार मजदूर किसान विरोधी नीतियों को लागू कर रही है। जिला महासचिव हातिम सोखला ने कहा कि कोरोना के चलते हुए देश में आम जनता के हालात बदतर हुए हैं, इसलिए माकपा मांग करती है कि आयकर दायरे से बाहर सभी परिवारों को 7500 रुपए प्रति माह अगले 6 महीने तक सहायता दी जाए और प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन मुफ्त दिया जाए। ये जो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला, इससे पहले भी पॉलिसीज आए, ऐसा नहीं क्या बोलते 47 के बाद इस देश के अंदर एजुकेशन पॉलिसी 3-4 क्या बोलते हैं एजुकेशन पॉलिसीज इस देश के अंदर आए, लेकिन जिस तरीके से इस एजुकेशन पॉलिसी को बिना संसद में चर्चा किए हुए सरकार अध्यादेश के जरिए लागू करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? ये इस देश की सरकार जो इसको व्यापारीकरण, संप्रदायकरण और निजीकरण, अगर उसका डिटेल में उसका जो इन्होंने वो
जो ड्राफ्ट भी तैयार किया है उस ड्राफ्ट को भी अगर आप देखेंगे कहीं पर भी क्या बोलते हैं ये सबको शिक्षा सब क्या बोलते हैं जो 14 साल तक उसके जिक्र नहीं किया गया। क्या कह रहे हैं कि शिक्षा ऑनलाइन होगा। आप देश का ढांचा देखे क्या कह रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में शिक्षा होगा। तो ये सारा का सारा ही सरकार को शिक्षा को बेचने का काम है जिसको हमारी पार्टी सहन नहीं करेगी। इसके खिलाफ भी हम जन अभियान शुरू करेंगे। आज हम जो यहाँ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं हमारे और राज्य स्तर के भी मुद्दे हैं। जो लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जो किया और जो नहीं करना चाहिए था उसके बारे में हमारे नेताओं ने यहाँ पर रखा कि किस तरह से महंगाई बढ़ी है, गरीबी की रेखा से लोग करोड़ों लोग नीचे चले गए हैं। ये निरंतर जो है गरीबों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। डिपो में राशन जो है वो घटाया गया है और महंगा किया गया इस दौरान, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं जिसके फलस्वरूप जो है बस किरायों में बढ़ोतरी हुई और साथ ही बिजली के बिलों में जो है बेतहाशा बढ़ोतरी की गई। और इसका हम विरोध करते हैं। और इसके साथ साथ में एक और जो हमारा स्थानीय मुद्दा है यहाँ पर और हमारे लिए, खास करके मैं उस पंचायत से हूँ, मुझे गर्व है कि हमारी पंचायत का जो जवान था एक शहीद हुआ था और हमने सोचा मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए हैं तो 15 अगस्त को स्टेट लेवल का राज्य स्तर का यह मनाया जो जा रहा था, हमने सोचा कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है इस पर ये जरूर कोई घोषणा करेंगे, उसके परिवार को आर्थिक रूप से कुछ बेहतर देंगे। और साथ ही हमने ये सोचा था कि उस शहीद के नाम से, ये पहला जवान है हमारे हमारे कुल्लू का जो शहीद हुआ है बॉर्डर पर और उग्रवादियों से लोहा लेते हुए, हमने सोचा था कि मुख्यमंत्री। सोनी ज्वेलर्स नियर चौक जिला मंडी, सोना और चांदी की खरीदारी के लिए विभिन्न प्रकार के निवेश या इन्वेस्टमेंट प्लान उपलब्ध, तो आइए सोनी ज्वेलर्स नियर चौक जहां पर अलग अलग तरह के नवीनतम और आकर्षक गहने उपलब्ध है। सोना चांदी और हीरे जवाहरात में आज ही निवेश करें और अपना भविष्य सुरक्षित करें। सोनी ज्वेलर्स नियर चौक जिला मंडी, आज ही संपर्क करें।